अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। काटो के काटो आप लोग किचन में जाके स्नैक्स लेकर आइए मेहमानों के लिए। जाओ जाओ। कैसा लगा तुम्हें सरप्राइज? अच्छा है। सिर्फ अच्छा है? अरे इस बंदे ने इतनी मेहनत की है, शहर के सबसे महंगे डेकोरेटर से डेकोरेशन करवाई, सबसे अच्छी बेकरी से केक मंगवाया, और तुम कहती हो कि सिर्फ अच्छा है? मेरा मतलब है बहुत अच्छा है। हाँ, it's really great. इससे भी ग्रेट चीज मेरे पास है तुम्हारे लिए। चलो इधर आओ, मेरे साथ आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। टन टना। मैम, आपके जन्मदिन के लिए इस नाचीज की तरफ से छोटा सा तोहफा। मैंने तो सोचा था कि तुम उड़ने लगोगी, पर लगता है कि तुम्हारे होश ही उड़ गए। शहर की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप से मैंने ये तोहफा तुम्हारे लिए लिया है, बिना कीमत की परवाह किए। लेकिन सुदीप, इसकी क्या जरूरत थी? अरे इंसान अपना प्यार किसी तरह तो एक्सप्रेस करेगा ना। सुदीप, तुम पागल हो? तुम्हें लगता है मैं तुमसे इतना कीमती गिफ्ट एक्सेप्ट करूंगी? हाँ, पर इसमें हर्जी क्या है? हमारे रिलेशनशिप का आधार पैसा नहीं है सुदीप। For that matter, किसी भी रिश्ते का आधार पैसा नहीं हो सकता। इस रिश्ते का आधार ना प्यार है, और तुमने अभी कहा ना पैसा है, तो क्या मैं जान सकता हूं आंचल, इस रिश्ते का आधार है क्या? हाँ आंचल, मैं जानना चाहता हूं इस रिश्ते का आधार है क्या। जवाब दो आंचल, बोलो क्या है इस रिश्ते का आधार? तुम्हें नहीं पता, मैं बताता हूं। मैं तुम्हें बताता हूं कि ये रिश्ता किस बात पर टिका हुआ है। ना उम्मीदी, होपलेसनेस है आधार इस रिश्ते का। सुदीप,
इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? मैं तुमसे इतना कीमती गिफ्ट नहीं ले सकती, बात सिर्फ इतनी सी है। और फिर बस। बहुत हो चुका, बहुत सह चुका मैं बहुत सह चुका। मामी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से ये सब कुछ हो गया। आप लोगों को बहुत बुरा लगा होगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, सब अपने ही तो है। लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हारी सुदीप से बात क्या हुई? वो ऐसे गुस्से में चला क्यों गया? मामा जी, सुदीप की सुदीप ही जाने, आप उसी से पूछ लीजिएगा। ठीक है। तुम टीचर को टीचर मत कहना। आयुष, पापा से नाराज हो बेटा? पापा से बात करो बेटा, तुम्हारी ये उदासी पापा से देखे नहीं चाहते। अच्छा तुम बताओ पापा क्या करते हैं? बेटा सचिन अभी बच्चा है, सही और गलत की समझ नहीं है उसे। अगर मैं सख्ती से उसे मना कर देता कि आप टीचर को टीचर माना करो, तो उसका दिल टूट जाता, कितना उदास हो जाता है। और शायद इस सदमे से उसकी तबीयत भी खराब हो जाती। तुम्हें बताओ बेटा, क्या पापा की यह जिम्मेदारी नहीं कि वो तुम सबको खुश रखे? मैं तुम्हें समझा सकता हूं, तुम समझदार हो, लेकिन सचिन
तुम्हारे इतना समझदार नहीं है ना। सॉरी पापा, जब से नाराज नहीं होना चाहिए था। एक बात का विश्वास रखो बेटा, तुम्हारी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। चलो अब सो जाओ। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।